चैप्टर 10, पहले तो क्लास 10, क्लास 10 साइंस, चैप्टर 10 लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम लोगों ने आज तक मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि जूनियर क्लास में किसी ने मेरे से पूछा था। एट एक एक का एक मेरा स्टूडेंट बहुत इंक्विजिटिव है, पूछा सर लाइट क्या होती है। माय क्वेश्चन टू द क्लास इज, बिफोर वी स्टार्ट यू टेल मी Sir, you're not audible. Sir, या you're not नाउ audible. आई सेंड द क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट एक्चुअली, है क्या लाइट। चलो चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, होता क्या है लाइट। सर, वैसे बोलूं, ओके बोलो। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एंड दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स. हाँ वो तो ठीक है, वो तो डेफिनेशन का, जैसे सब कोई बच्चा पूछ रहा है आपसे, छोटा बच्चा पूछना चाह रहा, भैया बताओ नहीं लाइट क्या होती है, किस चीज से बनती है। सर, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, अचिंत्य बताओ, जैसे जैसे कोई अगर मेरे को बोले कि हीट क्या होती है, मैं बोलूंगा यार क्या होता है, मॉलिक्यूलर बहुत ज्यादा फास्ट 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 और मूवमेंट करने लगते हैं तो हीट बन जाती है, हीट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऐसे में कोई मेरे से बोले कि पोटेंशियल एनर्जी, मैं बोलूंगा स्प्रिंग को खींच दो ऐसे करके, फिर लाइट कैसे बनती है, क्या है लाइट। सर मेरे ख्याल से मूवमेंट ऑफ फोटॉन्स है. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, मूवमेंट ऑफ फोटोन। तो फोटोन क्या है। सर फोटॉन्स सर एक इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं जो शायद अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं. ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एटम्स की तरह इनका पता लगाना आसान नहीं होता कि ये मौजूद है कि नहीं, ये मैटर है कि नहीं. बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने और काफी हद तक कवर कर दिया। तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है क्या है। न्यूट्रिनो को तो प्रूव कर दिया कि न्यूट्रिनो होता है, लेकिन हाँ इस न्यूट्रिनो फोटॉन थ्योरी में है, इस वजह से फोटॉन का एग्जिस्टेंस भी ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है. ओके दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने कभी वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, सर में वो कॉम को रगड़ लिया और पेपर के जो टुकड़े हैं उनको ऐसे देखते हैं, खींच 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 के आ गए आपकी तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं उसको। ऐसे मैग्नेट का एक फोर्स होता है, मैग्नेट मैग्नेट के पास आती है तो खींचती भी है मैग्नेट, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइट। लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। ग्रीक वर्ड विच मीन्स लाइट। बट फोटोन है क्या, किस चीज का बना है, इज इट ए पार्टिकल और इज इट ए वेव, ये किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट अभी तक इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर, क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल ही होते तो मैं जब यहां से लाइट उसके ऊपर डालता हूं, टॉर्च की लाइट डालता तो थोड़ी सी लाइट यहां से निकल के नहीं आती, सारे पार्टिकल यहां रुक जाते और वापस चले जाते, स्ट्राइक बैक होके। ठीक है, और अगर वेव होती तो पूरी पूरी लाइट इधर से क्रॉस कर सकती थी, क्योंकि साउंड के लिए, लेट्स से आई एम मेकिंग ए साउंड इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल, साउंड विल नॉट बी स्टॉप बाय दिस वॉल, साउंड विल गो ओवर द वॉल, बिकॉज साउंड इज ए वेव। तो नेचर नहीं पता इसको क्या है, बट इतना साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कॉम्ब को ऐसे करते रगड़ते हैं, ड्राई कॉम्ब को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है, और जब मैग्नेट एक दूसरी मैग्नेट खींचती है तो उसके अंदर भी कुछ वेव्स आती, कुछ तो रहता है। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो जो वेव्स बनती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव। अब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, अब तक साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बोल दिया लाइट को, लेकिन एक रूम के अंदर अंधेरा है और डार्क रूम के अंदर आपने बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, आपने कैंडल जला दी तो लाइट कहां से आ जाएगी? ना तो इलेक्ट्रिसिटी है या ना मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म है, खाली कैंडल कहां से लाइट लेके ले आ गई? तो ये मिस्ट्री है, इस पे काम कर रहे हैं साइंटिस्ट अभी तक। ओके, जितना साइंटिस्ट ने हमें बताया उतना हम पढ़ेंगे। ओके, सो लाइट के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। इस पूरे चैप्टर में हम दो प्रोसेस को खासकर पढ़ने वाले हैं, वन इज रिफ्लेक्शन एंड वन इज रिफ्रैक्शन। देखो बहुत कम फर्क है स्पेलिंग में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो व्हाट अबाउट देम, क्या है इनके बारे में खास? मैं बोल सकता हूँ हाँ चिंते बताओ। सर, रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से बाउंस बैक होती है, और रिफ्रैक्शन होता है कि अगर किसी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस को लाइट अगर पास होगी तो वो थोड़ी टिल्ट होकर पास होगी। और सर एंगल ठीक, ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हाँ, वो पॉइंट भी एक बहुत सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके है। दो मीडियम्स होते हैं सर रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन में दो मीडियम होते हैं, डेंस मीडियम होता है और एक मीडियम होता है अपना, क्या बोलते हैं, रेयर रेयर मीडियम होता है, रेयर और डेंस है। ठीक है, ओके, बहुत सही बता रहे हो आप लोग सब। चलो शुरू, एक पॉइंट आपने बोला है चिंता, वो वर्ड गलत है, आपने बोला स्मूथ सरफेस से होता है। आई थिंक शाइनी विल बी बेटर। इफ देर इज अ ब्लैक सिल्क शर्ट दैट इज स्मूथ बट लाइट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाई इट, सो यू कैन से शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस रिटर्न्स मोस्ट ऑफ द लाइट, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द लाइट। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। पहले प्लेन मिरर की बात कर लेता हूँ। छोटी क्लास के बच्चों से जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट और एक होते हैं तीसरा वाला क्या होता है, वो ओपेक, ओपेक, ओपेक ओपेक। तो ये मिरर इन तीनों में से किस कैटेगरी, और चैट बॉक्स के अंदर टाइप करना है आप लोगों ने, चैट बॉक्स में टाइप करना है कि जो मिरर है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक। हाँ जी, चैट बॉक्स। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है मिरर? प्रथम क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ओके दोस्तों, कैसे पता चलता है कोई चीज ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है, बताते हो? या फिर वो है, ट्रांसपेरेंट है तो ग्लास का एक टुकड़ा होता है जिससे, जो कि डोर में लगता है, विंडोज में लगता है, बाहर से पता चल रहा है चिड़िया उड़ रही है, पेड़, हवा चल रही है, सब कुछ पता चलता है, बारिश आ रही है, दैट ट्रांसपेरेंट। ओपेक क्या है? कोई चीज आपके सामने है, ये मैं तीन फिंगर दिखा रहा हूं आपको, यहां मैंने बीच में डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये ओपेक है, आई कांट सी द फिंगर्स, तो इट हैज लाइट हैज बीन स्टॉप। एंड ट्रांसलूसेंट तो वो होता है जो आधी लाइट आती है आधी नहीं आती, जैसे बटर पेपर वगैरह है इंडियन रेलवेज में, वो टॉप बाथरूम के अंदर जो शीशे रहते हैं वो वाले, टॉयलेट में शीशे होते हैं, वो ट्रांसलूसेंट है। ये लाइट आ तो रही है, कुछ तो लाइट आ रही है, बट फिगर इतनी नहीं आती कि सामने शेप पता चल जाए क्या शेप है बाहर। तो मिरर के बाहर अगर हम मिरर रखा हो यहाँ पे और उसके पीछे कोई खड़ा है, मिरर के पीछे, शाइनी सरफेस पे तो आप अपनी फोटो देख रहे हो मिरर के अंदर, पीछे कोई खड़ा है तो नजर आएगा नहीं नजर आएगा, तो मिरर इज ओपेक, पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट, देन इफ प्लेन मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट मेक्स ए इमेज।
आज मैं इमेज के बारे में तुम्हें दो चीज बहुत जरूरी बता रहा हूँ, तीन चार पॉइंट आने वाले, बार बार आएंगे। इसकी जो इमेज है इससे पहले मैं कुछ बताऊंगा अभी। इमेज के बारे में दो बात होती है, पहला होता है रियल एंड वर्चुअल, रियल और वर्चुअल। अगर आपने कोई इमेज बनाई और उसको आप किसी स्क्रीन पे किसी पेपर पे ऑब्टेन कर सके तो वो रियल इमेज है। हमारी आई सामने कुछ देखती है, आंखों के बीच में एक लेंस लगा हुआ है, लेंस से लाइट कन्वर्ज होके हमारे रेटिना पे जाके इमेज बनती है, दैट इज अ रियल इमेज। मिरर में जो आप इमेज देख रहे हो उसको आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां मिरर है उसके पीछे आप कोई पर्दा लगा दो तो आपको उसकी इमेज आ जाए। ओमेक्स में पिक्चर देखने जाते हो आप, इधर से एक इमेज प्रोजेक्ट होती है, लेंस के थ्रू जाती है, उधर सामने स्क्रीन पे नजर आती है आपको, दैट इज द रियल इमेज। तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी सीन, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। सो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर हो, इनकी सबकी जो इमेज होती है वर्चुअल होती है। ओके, सेकंड आता है इरेक्ट, ऐसे उल्टा लिखूंगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, यानी कि जो ऊपर साइड है इमेज वो नीचे दिखाई पड़ेगी, और इन्वर्टेड और इरेक्ट। रवि, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? अपसाइड अप, अपसाइड अप, ऊपर की साइड ऊपर ही रहेगी, ऐसे नहीं होगी उल्टे, अपसाइड अप। देन थर्ड टर्म दैट यू विल हियर इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, छोटी, रिड्यूस्ड और एनलार्ज्ड। इमेज बड़ी हो गई है कि इमेज छोटी हो गई, रियल वर्चुअल इन्वर्टेड इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड लास्ट। जनरली ये तीनों इकट्ठे रहते हैं, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। जब हम अभी स्फेयर्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और लेंस पढ़ेंगे तो ये देखना ये तीनों एक साथ आएंगे, आर आई डी रिड, और ये वी आर अलग आएगा। ठीक है, उस वक्त मैं कोड दूंगा, याद दिलाने के सर आपने कोड बताया था, एक कोड दे दो, एक है रिड और एक है वी आर वर, ये तीनों इकट्ठे एक्चुअली कंबाइन रहते हैं ज्यादातर, कहीं कहीं उल्टा भी होता है पर ज्यादातर ठीक रहता है। अब बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की जो इमेज है उसमें 6 पॉइंट है। मैं दोबारा दूसरे, अरे कल का पेपर कैसा हुआ अचिंत्य राजवर्धन एसएसटी का? सर अच्छा था सर, एक सर पेपर तो अच्छा हुआ, छोटा तो नहीं तुम्हारा कोई अचिंत्य? नहीं सर कुछ नहीं छोटा था सर, बस ये हो गया था कि 5 नंबर वाले में 1 पॉइंट छूट गया था और कुछ। वो अंतरिक्ष मुझे बता रहा था एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का पॉइंट आया था, क्या लिखा उसमें, क्या होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म? क्या होता है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके लिए जब गवर्नमेंट कुछ कदम उठाती है उसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लेट्स से चेंजेस द रूल रिगार्डिंग द लेबर पेमेंट स्टाफ, जैसे अभी आजकल प्लान कर रही है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट चेंजेस द रूल इन द शेयर मार्केट, और गवर्नमेंट चेंजेस द रूल्स इन लैंडिंग प्रोसेसेस ऑफ बैंक्स, यानी कि विजय माल्या पैसे लेके भाग गया टाइप, उस टाइप से उसमें चेंज करे, ये नहीं कि किसको भी लोन दे रहे उसमें चेंज करें। सो ये इस चेंजेस ऑफ दिस नेचर आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, का भी क्वेश्चन आया था हैं सर, एक ऑर्डिनरी सेक्टर का सर, उसमें मेरा शायद डाउट है। ऑर्डिनरी सेक्टर? यस सर। सर उसमें था सर बैंकिंग, ऐसा बैंकिंग तो टर्शियरी सेक्टर के साथ टर्शियरी सेक्टर है। हां बैंक टर्शियरी है
सर तो उसमें वो भी आया था सर, क्वार्टरनरी सेक्टर का सर, वो मेरा शायद क्वार्टरनरी कल। सेक्टर रिसर्च में आता है, रिसर्च जो होती है ना रिसर्च, जो सेक्टर मतलब फोर्थ नंबर पर आता है क्वार्टरनरी सेक्टर, उसमें होता है बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो व्हेन द न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड, दैट इज नाइदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी नॉट टर्शियरी, दैट्स क्वार्टरनरी। ऑडिट, ऑडिटिंग, यस सर, सीए, ये सब आता है उसमें शायद से, मैंने बताया तो होगा। और उस वक्त शायद वीडियो नहीं होगा, आप कम से कम ये है कि वीडियो में कोई चीज छूटेगी नहीं, ये अच्छी बात हो जाएगी। ओके दोस्तों, सो मिरर इमेज के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स हैं टोटल मिला के। मिरर इमेज फर्स्टली इट इज अपराइट, यानी कि इरेक्ट। जब अगर आपका सर ऊपर देखा मिरर के अंदर, मिरर के बाहर, तो मिरर के अंदर सर ऊपर मिलेगा आपको। दूसरा इट इज वर्चुअल। तीसरा इट इज नाइदर डिमिनिश्ड नॉर एनलार्ज, सेम साइज। फोर्थली सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। इसका सबसे अच्छा तरीका अगर आपको चेक करना है तो आप एक मिरर लगा लो इधर, और यहां पे एक टेप लगा दो। तो अगर यहाँ 4 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ 3 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, तो आपको जो इमेज नजर आएगी उसमें भी ऐसे ही नजर आएगी, 1 2 3 4, जिससे पता चल जाता है कि इट इज सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज। हाँ, लेटरल इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड वॉच पहनी हुई, इसमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेफ्ट हैंड उठाया, तो मिरर में जो लेफ्ट हैंड उठा रहा है बंदा, अगर आप उसकी जगह खड़े होके जाओ तो उधर आपका राइट हैंड होगा एक्चुअली। अगर आप मेरी जगह जाके वहां पे खड़े हो जाओ मिरर के पास, मिरर के सामने, तो मेरा तो लेफ्ट हैंड है लेकिन एक्चुअली में वो राइट साइड पर दिखाई पड़ता है। और इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो एम्बुलेंस के ऊपर जो उल्टा लिखा रहता है वो होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एम्बुलेंस पीछे से आ रही है और आपके पीछे गाड़ी में मिरर लगा हुआ है, मिरर में लेटरल इन्वर्टर दिख रहा है, तो एम्बुलेंस वाला अपनी स्पेलिंग उल्टा लिखता है ऐसे, एम्बुलेंस ऐसे करके। और जब आप अपने मिरर में देखते हो आपको पूरा सही नजर आता है, तो आप उसको रास्ता दे देते हो कि भाई तू जा, ये बीमार बंदा है, इसके अंदर कोई इंडिया मसाले नहीं देते लोग, लेकिन ये देना चाहिए। ठीक है, चलो छठा पॉइंट कोई है मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। ओके सो थर्ड रीडिंग। अच्छा, साथ में एक वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता हूँ। दोस्तों एक वर्ड आता प्लेन, इस वर्ड ने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की प्लेन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से जैसे आई हैव दिस पेपर, आई हैव दिस पेपर, सो दिस पेपर इज रिप्रेजेंटिंग ए 2D प्लेन। 2D प्लेन है, थिकनेस कुछ नहीं है इसकी, कोई थिकनेस नहीं है, इट हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, जेड एक्सेस इज नॉट देयर। सो कोई भी ऐसी, अभी अभी ऐसा हो गया प्लेन, अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, इस प्लेन को मैं कैसा भी कर सकता हूं, इसको प्लेन कहते हैं। प्लेन मतलब एक 2D सरफेस, 2D सरफेस। सो फर्स्ट रूल सेज दैट, फर्स्ट रूल सेज कि मिरर है, मिरर आइकॉन के 90 डिग्री पे जो लाइन होती है, ये तो मिरर हो गया अपना। मिरर के 90 डिग्री पे जो लाइन होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये भी बड़ा अजीब सा वर्ड है, बच्चों को टाइम लगता है इसको समझने में, तुम याद रखना इसको नॉर्मल बोला जाता है। सो ओके, सो यहां पे कोई रे इज फॉलिंग, आपने टॉर्च मारी, रे इज फॉलिंग ऑन द मिरर। सो जो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब गिरना, हिंदी में हो गया गिरना।
ये जो एंगल है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इट्स नोन एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट रूल सेज आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल सेज इंसिडेंट रे, ये वाली रे, ये वाली नॉर्मल, ये वाली लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन सेम प्लेन, ऑल लाइन इन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब बता ही दिया मैंने आपको कि 2D फिगर है, तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये प्लेन, ये तीनों इसी लाइन में, इनकी कोई डेप्थ नहीं है, पीछे नहीं है, बस यही है। मिरर को मैं ऐसे कर दूंगा तो फिर ये तीनों इधर आ जाएंगे, फिर ऐसे प्लेन में आ जाएंगे। चलो ये तो इजी पार्ट है, थोड़ा सा इसको फटाफट रीडिंग करके कवर करते हैं। और समझ नहीं आते सर, पेंसिल एक्सिस फोकस और कर्वेचर देते हैं सब। हाँ वो तो मैं समझाऊंगा, वो समझाऊंगा ना, मैं भी बिल्कुल आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से आएगा। चलो आगे की चलते हैं। यस सर। ओके राइट, एक तरफ से शुरू करते हैं, विराज से शुरू करते हैं, विराज आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी सर, ये जो बोर्ड पे मिरर इमेज के नीचे लिखा है, ये फीचर्स है ना मिरर इमेज के? These are the characteristics. Yes, sir. These are sir, the characteristics features of mirror image. Of mirror image. Okay, sir. Okay, Viraj, I'm just sharing. आप read करना शुरू करें। Okay, chapter 10, light reflection and refraction. हाँ जी, पढ़ें। Yes, sir. Light is a form of energy that enables us to see. An object reflects the light rays that falls on it. These reflected light rays, when received by our eyes, make the object visible to us. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. The speed of light in vacuum or in air is 3 into 10 to the power 8. So what is this SI unit called, sir? Meter per second, I hope. Yeah, all right, sir. मीटर पर से लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड को याद करने का आसान तरीका है, इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट, याद करने का आसान तरीका। और दूसरा है, इसमें एक और पॉइंट आया है, हाँ मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, इफ यू वॉन्ट टू सी समथिंग देर आर 3 things विच आर नेसेसरी टू बी देयर। To see, we need the following. एक भी गायब होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। We need the following. Firstly, तो there has to be an object. Space के अंदर sunlight जाती है, sun से लेके हम तक light आ रही है अर्थ तक, लेकिन space हमें black नजर आता है पूरा, वहां कोई लाइट नजर ही नहीं आती, अनलेस कि कोई स्पेसशिप जा रहा हो, उस पर सन की लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आए, तब तो हमें दिख जाता है, अदरवाइज ब्लैक। सो यू नीड एन ऑब्जेक्ट जिस पर लाइट गिर के आपकी आंखों पे। दूसरा, यू नीड लाइट, अंधेरे कमरे में बैठे हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कुछ दिखना विखना नहीं है। एंड थर्डली, लाइट विच रीचेज योर आइज, ये देख जरूरी है, विच रीचेज योर आइज। थर्डली योर आइज, आइज के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीजें, कई बार किसी की ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है, किसी के ब्रेन के अंदर वो पार्ट खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है इसको, जो कि प्रोसेसिंग करता है। तो ये मिनिमम 3 चीजें तो हैं। और लाइट की स्पीड का मैंने जैसे बताया, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और वी कैन से 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, दोनों ठीक है।
ओके सो शैल आई प्रोसीड विराज या प्लीज कंटिन्यू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यस सर द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अचिंत्य ने मेरे को क्या बताया था स्मूथ सरफेस और मैंने क्या रिप्लेस किया था वर्ड शाइनी सरफेस बुक वालों ने वही गलती की है Shiny surface is the word that you have to use. You can use smooth and shiny, but shiny word जरूर use लगा करना. All right. प्रथम राज, please read laws of reflection. प्रथम. Okay, प्रथम sir, I can't read. क्या हो गया? Sir, I can read. Ravi. ओके रवि आप पढ़ो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आई इज इक्वल टू एंगल आर सेकंड पॉइंट द इंसिडेंस रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट a ray of light which is incident normally on a mirror is reflected back along with its own path laws of reflection can be applied to all kind of reflecting surfaces okay reflection of light lens image form ruk ek minute aa raha ruk ja image ye ho gaya to theek hai to main samjha deta hu okay image antriksh aap padhna thoda sa okay theek hai ravi aap padho aa thoda sa dikkat aayegi lekin theek ho jayega baad mein ha ha सर थोड़ा ब्लर है हाँ थोड़ा ब्लर पढ़ा जाएगा लेकिन पढ़ ले इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन सर द लास्ट वर्ड मींस मीट एट अनदर पॉइंट दैट अपीयर टू मीट टू अनदर पॉइंट देन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इमेज आर ऑफ टू टाइप्स कैसे बनती है बता देता हूं अभी इमेज का मतलब यह है जनरली क्या होता है एक रेज आ रही हैं और जहां वो बन एक जगह मिलती हैं इकट्ठी हो जाती है जहां वो इकट्ठी हो जाती हैं जहां वो इकट्ठी हो जाती हैं वहां पे हम बोलते हैं कि अब इमेज बन गई भाई इसकी देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे यू हैव लेट्स से कौन के मिरर है आपके पास यहाँ पे इसके मैं सारा बताऊंगा अभी पोल क्या होता है अपर्चर क्या होता है फोकस क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है सब बताऊंगा तो यहां पे कोई रे आई जो भी रे आती है पैरेलल टू सरफेस वो एफ पे कन्वर्ज होती है ऐसे करके ठीक है और दूसरा आपकी सपोज करो एक रे आई यहां से इसी से निकली यहां से और यहां आई तो जहां दोनों ये मिलेंगी आपस में वहां आपकी इमेज बन जाएगी सो वेयर एवर द रेज आइदर मीट or appear to meet that is the image let's say concave mirror mein sirf ek hi case aisa hota hai jabki virtual image banti hai wo hota hai f aur p ke beech mein to yahan jo object honge yahan jo object hota waisa hota dekho aise jayegi to idhar aayegi aur idhar jayegi to idhar aayegi अब ये मिलेंगी नहीं दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके बीच में रास्ता बढ़ता जा रहा है और इस प्रिंसिपल का डॉक्टर जो होता है डेंटल डॉक्टर होता है डेंटल डॉक्टर यूज करता है इसको अभी इमेज यहां बनी ये वर्चुअल इमेज है पर्दे पे तो नहीं आएगी पर आंखों से दिखेगी एनलार्ज बनेगी इसको इस वाले मिरर का यूज होता है जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो उनके हाथ में एक छोटा सा मिरर होता है आपकी दांत के पास ले जाके देखते हैं मुंह करो तो वो उसके अंदर बड़ा दांत दिखाई पड़ता है बहुत सारे आपने देखा होगा लोग अपने बाथरूम में लगवाते हैं बहुत मिरर बड़ा सा मिरर होता है लेडीज लगाती हैं जेंट्स भी लगाते हैं कितना बड़ा मिरर होता है वो ऐसे थोड़ा सा कॉनकेव होता है उसमें तुम शक्ल देखो ना तुम्हारी शक्ल इतनी बड़ी नजर आएगी किस लिए होता है वो मेकअप के लिए शेविंग के लिए यूज होता है तो जहां पे एक मिनट विराज बता रहा हूँ जहां पे इमेज आइदर मीटिंग और अपीयरिंग टू मीट मैं लिख रहा हूँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है वर्ड A point where rays meet or appear to meet
makes an image. Point where rays meet or appear to meet. So ये image है, ये तो object हो गया आपका, ये आपकी image होगी. This image is real, inverted, उल्टी है and diminished. This is a DIR image, RID image. RID image or DIR image. यहां पे image is virtual. This is erect and enlarged. Yeah, Viraj. पूछो. Yes, sir. In the figure number one, sir, we are having two points of intersection, sir. हाँ, एक ही तो है. Sir, एक ऊपर भी है, sir. आई नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये यहाँ पे कन्वर्ज जहाँ पे होती है, ये वाला नहीं, जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, एक ये आया ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आया ये ऐसा आएगा, यहाँ पे कन्वर्ज होती है, ये पॉइंट पॉजिटिव सर. ओके अदरवाइज क्या, देर आर इनफाइनाइट रेज, देर आर इनफाइनाइट रेज, सो दे विल मीट अ इनफाइनाइट पॉइंट, बट नॉट इन वेयर ऑल द रेज आर मीटिंग, दैट इज द पॉइंट वेयर इमेज विल बी फॉर्म. ओके सात्विक आप पढ़े अभी, रियल इमेज. रियल इमेज इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज फॉर्मड इज कॉल्ड अ रियल इमेज. यहां एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, लेकिन दूसरे वाले केस में देखो क्या हो रहा है, यहां से आई और यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, इधर जा रही है वापस जा रही है, और ये वाली यहां से आई यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो, ये वापस जा रही है, ये मिली नहीं कभी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिल जाएंगी, मिली है, इसलिए ब्रोकन लाइन से बनाया जाता है इसको. या वर्चुअल इमेज इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट देन द इमेज फॉर्मड इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. ओके लेट अस रीड अबाउट मिरर नाउ. अब मिरर पढ़ें. Mirror is a polished surface which reflects almost all the light incident on it. Mirrors are of two types. First, plane mirror. If the reflecting surface of a mirror is plane, then the mirror is called a plane mirror. Image found by a plane mirror has following properties. It is always virtual and erect. The size of image is equal to the size of object. The distance between the image and the mirror is equal to the distance between the object and the mirror. The image is laterally inverted. That is left seems to be right and vice versa. Sir, scroll कर दीजिए. हाँ. Focal length of a plane mirror is infinite. Okay, ये point मैं भी explain करूँ, अभी के लिए hold कर लो इसको. Okay, then read use of plane mirrors. Uses of plane mirrors. Plane mirrors are commonly used as looking glass in making periscopes, kaleidoscopes, etc. Okay, थोड़ा periscope का एक मिनट लेके पेरिस्कोप बताया तो क्लाइडोस्कोप बताता हूं मैं क्या होता है. एक्सक्यूज मी सर. हां जी सर. वाइस वर्सा का क्या मीन था? वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट आल्सो ट्रू. अपोजिट आल्सो ट्रू. यहां ही जो वर्ड आया था इस वर्ष का, ये देखो कैसा आया था. ये सब पूछना चाहिए तुम लोगों को, कोई नहीं बताएगा, बड़े हो जाओगे शर्म आएगी पूछने में. अब तुम मेरे से तो पूछ सकते हो, बहुत लोगों को तो नहीं पता, उनको दैट इज का मतलब नहीं पता, आई ये सब इनका नहीं पता. देखो लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा. लेफ्ट सीम्स टू बी राइट बट अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. राइट सीम्स टू बी लेफ्ट. Left seems to be right. या तो ऐसे लिखता left seems to be right and right seems to be left. इसने पूरा sentence लिखा, इसने लिख दिया vice versa. Understood? किसने पूछा था? Understood? Yes. कार्तिक नोट कर लो उन पॉइंट्स को सब. ओके दोस्तों अब हम बात करेंगे spherical lenses की. दो तरह के lenses हैं, याद रखने का भी बड़ा आसान तरीका है. जो केव की तरह है, गुफा की तरह है, उसको कॉनकेव कहते हैं. ऐसा गुफा जिसमें पहले राक्षस रहते थे,
केव, ये केव की तरह है इसलिए इसको कॉनकेव कहते हैं। अब मिरर बनेगा कैसे, देखो अपन क्या करेंगे, एक ऐसे गोल स्फीयर बना लेंगे, होलो है ये, होलो, शाइनी सरफेस अंदर है, शाइनी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, शाइनी, और बाहर वाली सरफेस है डार्क। डार्क सरफेस है बाहर। अब यार ये स्फीयर बनाया गया है तो स्फीयर का इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस तो हो गई, लेट्स से यहां तक इसका रेडियस है आर, आर रेडियस, और ये जो पॉइंट जहां से रेडियस के हिसाब से इसको नापा गया है उसको बोलते हैं सेंटर। राजवर्धन यहां तक तो क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कट कर दूंगा, डायमंड का वो जो आता है इनके काटने का, मिरर को काटने की जो मशीन आती है उससे मैंने इतना पार्ट काट लिया और पार्ट को काट के मैं यहां ले आया, बाकी सबको फेंक दिया, क्या करा मुझे नहीं पता क्या किया, तो बट ये पॉइंट फिर भी यहां मैं मानूंगा कि हाँ ये पॉइंट तो साथ में आया, इसके इमेजिनरी पॉइंट है, पॉइंट तो इमेजिनरी होता है, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कर्व, इसको सी बोलते हैं। ओके, यहां जो ये जो लेंस है पूरा, कितना चौड़ा लेंस है, कितना हम चौड़ा लेंस लेके आए, इसको बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर कितना चौड़ा लेंस, विड्थ बोल दो, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं विड्थ, अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पी, पी स्टैंड फॉर पोल, पी एंड द लाइन विच जॉइंस सी टू पी, लाइन विच जॉइंस सी टू पी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ टू थ्री मोर थिंग्स विल कम, so this is the dark surface inside the shiny surface, dark shiny। now दोस्तों इस C के बीच में, C और P के बीच का जो center point है F, इसको बोलते हैं focus, focal point या focus। Focal point or focus. So if you see the distance CF or focal, F, okay, this is focal point, and the distance between F and P is known as focal length. Focal length or F. So I think we can easily say F is equal to R upon 2. क्यों कार्तिकेय मिश्रा, इज इट ट्रू, बोल देना, बोल सकते हैं जब, बिकॉज़ आई सेड, आई सेड के मिड पॉइंट है, सो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, एंड नॉर्मली एफ इज रिटन इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर लिखते हैं। दिस इज द गेम प्लान ऑफ, देख लेता हूं कुछ और रहता नहीं क्या, पोल बना दिया अपन ने, और M1, M2 इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, दैट इज टॉप, दो पॉइंट जो कि उनको यहाँ इमेजिनरी पॉइंट ले, इनको छोड़ दो, मैं नहीं बता रहा हूँ इनको, जरूरत नहीं की, जरूरत पड़ेगी तो बाद में बताता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, फोकस देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस देख ली, और कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर देख लिया। एक्सक्यूज मी सर, या सर, डज द फोकल पॉइंट ऑलवेज हैव टू बी इन बिटवीन द सी एंड पी ओनली? एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट इज द मिड पॉइंट, यस इट इज, हाँ, लेकिन दूसरा उसके केस तो सर, अभी एक और केस दिखाने जा रहा हूं मैं, विच इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ लेट अस सी द कॉन, सो दिस इज कॉनकेव गाइस, कॉनकेव, केव की तरह नजर आता है, बहुत बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन रहता है और काफी टाइम तक चलता रहता है,
कि कॉनकेव कौन सा, कॉनवेक्स कौन सा है। तो भाई जो केव की तरह है जिसमें राक्षस रहते हैं ऐसी गुफा है उसको बोलते हैं कॉनकेव। देखते कॉनवेक्स, कॉनवेक्स होगा ऐसा भाई, ऐसा, क्योंकि कॉनवेक्स में हमने क्या किया, हमने ये वाला पार्ट काटा कॉनवेक्स, ये पार्ट काटा, वो ये कॉनवेक्स बनेगा और ये कॉनकेव बनेगा। तो कॉनवेक्स में हमने ये वाला काट दिया। अब देखो कॉनवेक्स के अंदर हाँ कॉनवेक्स में उल्टा हुआ, एक में होल्ड करना, ये तो हो गया मेरा कॉनकेव। अच्छा कॉनवेक्स में मैंने कहां से काटा, नहीं कॉनवेक्स तो एक्चुअली नहीं, ये नहीं कटे, सॉरी माय फॉल्ट। कॉनवेक्स में क्या होगा, मैं एक्चुअली दोबारा पूरा वो बनाऊंगा क्योंकि उसमें स्फीयर दूसरा बनाना पड़ेगा। उसके स्फीयर के अंदर अंदर डार्क होता है, यहाँ यहाँ अंदर शाइनी पार्ट था, बाहर डार्क पार्ट था। तो कॉनकेव बनेगा तो अंदर वाला पार्ट डार्क होगा। मैं इसको मिटा के दोबारा बनाऊ, मुझे ये बताओ कॉनकेव तो अब तक सेट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, राजवर्धन सार्थक नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम लोग कॉनवेक्स मिरर। कॉनवेक्स मिरर So you have taken this sphere, ये अंदर से डार्क है, डार्क और बाहर से शाइनी है। आपने क्या किया, यहां से काट लिया इसको और काट के यहां लगा दिया। डार्क शाइनी, ओके। नाउ सो थिंग्स विल चेंज। नाउ जो यहां डिस्टेंस सी यहां पे है, उतने ही डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी पॉइंट लिया जाता है सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाकी सब सेम है, ये अपर्चर है, इसकी चौड़ाई जितनी है, एक पॉइंट बीच में है इसको बोलते हैं एफ, और एक पॉइंट यहां पे है इसको बोलते हैं एफ। जनरली एफ वन और एफ टू भी वर्ड यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसका सारा का सारा एक्शन कहां होगा, यहां होगा। ओके तो ओके इसको मैं मिटा देता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और फोकल पॉइंट, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके एफ हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी और डिस्टेंस बिटवीन पी, ये रहा पी, जैसे वहां पे पी था यहां भी पी है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ और F, जनरली सेंटीमीटर में होता, कई बार मीटर में भी दे देते। अपर्चर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हाँ एक बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, क्योंकि इस पर जो लाइट आएगी वो फैल जाएगी चारों तरफ, डाइवर्जिंग है ये। और कॉनकेव जो था वो कन्वर्जिंग है, जब दोबारा लिखूंगा कॉनकेव तो दोबारा बता दूं कन्वर्जिंग। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे अभी बताओ, अभी तो कोई डाउट नहीं, फिर हम दोबारा पढ़ेंगे नोट्स और फिर दोबारा पूछूंगा कि कोई डाउट तो नहीं। अभी तक डाउट, अभी क्लियर है माइंड? नो डाउट, नो डाउट। कार्तिक के राजवर्धन, नो सर, नो डाउट सर। ओके अब नोट्स पढ़ते हैं, तब पता चलेगा कि डाउट आएगा दिमाग में कि नहीं आएगा।
ओके अंतरिक्ष आप शुरू करें स्फेरिकल मिरर सर दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर इज इट व्हाट विजुलाइज चैप्टर दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड विजुलाइज चैप्टर यस सर हां हां वो तो है काफी प्रैक्टिकल यूज आएंगे इसके हां जी स्फेरिकल मिरर सर प्रेजेंट कर दो कर दे सर मैंने ट्राई किया था इसको एक्टिविटी पे करने का समझ ही नहीं आया कहां पे फोकस है कहां सेंटर करना चाहिए किस चीज का क्या करने की कोशिश की थी घर पे ट्राई करने का किया था मैंने प्लेन मिरर के सामने सर समझ ही नहीं आया कहां फोकल है कहां सेंटर अच्छा प्लेन मिरर का नहीं होता फोकल प्लेन मिरर का फोकल इंफिनिटी है देखो क्योंकि अगर प्लेन मिरर है ना सुन अगर प्लेन मिरर रखेगा ये प्लेन मिरर है ये प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर का सेंटर कहां होगा सपोज करो सर आई थिंक वी कैन ट्राई इट विद अ कार लेफ्ट एंड राइट साइड मिरर व्हिच इज देयर हां वो तो है नहीं वो तो लेटरल इन्वर्जन तो बहुत आसान है वो तो समझ में आ जाता है देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ये कर्व लेंस है कर्व्ड स्फीयर है तो इसका सेंटर यहाँ होगा अब मैंने इसको थोड़ा सा और वैसा कर दिया ऐसा तो इसका सेंटर थोड़ा और खिसक जाएगा इधर अब मैंने इसको थोड़ा सा और फ्लैटिश कर दिया सेंटर और खिसक जाएगा अब मैं थोड़ा सा और उसको ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया और सेंटर यहाँ तक आ जाएगा उसके बाद इसको और बिल्कुल सेंटर यहाँ आ जाएगा इसका और अगर ये टोटल फ्लैट है ना भाई तो इसका सेंटर से इन्फिनिटी पे आ जाएगा और अगर सेंटर से लेके डिस्टेंस मिरर तक इन्फिनिटी है तो साला फोकल लेंथ भी तो इन्फिनिटी हो जाएगी उसकी राजवर्धन यस और नो सही सर हाँ ओके अंतरिक्ष आप पढ़े फटाफट अभी या ओके शेयरिंग गो सर अभी तक आया हाँ स्फेरिकल मिरर इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स देन द मिरर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर ऑफ टू टाइप्स द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर अ बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच सरफेसेस हेंस इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट मिरर द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड अ कॉनकेव मिरर ओके अभी इनकी फालतू की बकवास में मत जाओ इनर सरफेस फिर मैंने समझा दिया है इससे नहीं याद करना कोई तुमसे डेफिनेशन पूछने वाला भी नहीं वैसे भी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पूछता भी है तो बोल देना कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है क्योंकि इस पर जो लाइट आती है ना वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे चली जाती है ऐसे आती है ऐसे चली जाती है ये डाइवर्ज कर देता है और जो दूसरा वाला है अभी बताऊंगा अगले उसमें डायग्राम बना के वो लाइट को अंदर कर देता है तो कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है कॉनकेव कन्वर्जिंग है ठीक है कॉन्वेक्स की जो कॉन्वेक्स का जो वो है बल्ज है इसका बाहर की तरफ है उसका अंदर की तरफ है डेफिनेशन कोई पूछने वाला है नहीं तुम बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो इसको रटना मत ये जो नोट्स में दिया हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं हाँ भाई अंतरिक्ष अब पढ़ दे अच्छा गाइस देखो लुक एट दिस इमेज मैं थोड़ा समझाता पहली बात तो कॉनकेव है केव की तरह अंदर गुफा की तरह प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दिया मैंने तुम्हें वो पॉइंट जिससे कि स्फीयर को बनाया गया था सेंटर मान के सेंटर से लेके पोल तक का जो पक्का डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं नीचे लिखा हुआ देखो आर और इस रेडियस को हाफ कर दूं तो फोकल लेंथ बन जाएगी एफ एफ से एफ से लेके पी तक कितना चौड़ा है चौड़ाई इसकी कितनी ऊपर से लेके नीचे तक उसको अपर्चर बोलते हैं और अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है उसको पी बोलते हैं जो लाइन पी और सी को ज्वाइन करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं क्यों भाई कार्तिक सरोही कोई डाउट तो नहीं है नो सर नो इसमें जो लाइट आएगी दोस्तों कॉनकेव में ये लाइट आएगी यहाँ बैंड हो जाएगी अंदर की तरफ इसलिए उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं और नीचे वाले में लाइट आएगी तो बाहर की तरफ भागेगी इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं अंतरिक्ष पढ़ दो फटाफट हेयर एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ये वाला यस सर हेयर एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर दस The spherical mirror with outward curve reflecting surface called a convex mirror. A beam of light generally diverges after reflection from the surface, hence it's called a divergent mirror. Example, the outer curved surface of a shining spoon can be considered as a convex mirror. Okay, दोस्तों बाकी मैं कल समझाऊंगा definition related specially तो पढ़ लेंगे अब मैं क्या कल मैं तुम्हें एक इतनी बढ़िया technique बताऊंगा तुम लोगों ने cycle तो चलाई होगी सब लोगों ने cycle की chain जो होती है ना उसका एक concept मैंने इसमें डाला हुआ है मैं हमेशा सर समझाता हूँ साइकिल की चेन सर बच्चों को एक फटाफट समझ में आता है छह डायग्राम बनते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स के दो बनते हैं उधर जब लेंस में जाएंगे तो उल्टा हो जाता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स
वो छह डायग्राम आपको ऐसे भाग के याद होंगे, आप बोलोगे सर एकदम समझा, बस मुझे याद दिला देना सर आपने साइकिल की चेन का कुछ बताया था, तो साइकिल की चेन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा आगे के डायग्राम करके. ओके, एनी डाउट बिफोर वी से गुड बाय टू ईच अदर? नो डाउट्स? कार्तिकेश, एनी डाउट? कार्तिक सुरई, अंतरिक्ष, सार्थक, विराज, रवि, सात्विक, भव्या? नो सर, नो डाउट. चलो ओके, प्लीज रिवाइज द नोट्स, प्लीज रिवाइज द नोट्स एंड वॉच द वीडियो बिफोर टुमारोज क्लास. ओके चलो, बाय 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 बाय. Thank you. Bye, Karthik. Bye.